यूपी के अलीगढ़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। थाना क्वारसी क्षेत्र में 7 साल के नाबालिग पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। हालांकि आरोपी बच्चे की उम्र परीक्षण को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका था। मामले में अलीगढ़ के किशोर न्याय बोर्ड को फैसला लेना है। इस सिलसिले में बोर्ड ने सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया है। इस मामले में बोर्ड के सामने पीड़ित बच्ची के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट भी अलीगढ़ पुलिस पेश करेगी। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही तय होगी। क्वारसी थाने में शनिवार की रात बच्ची की मां और परिजनों ने थाने पहुंचकर पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले एक बच्चे पर रेप का आरोप लगाया था। मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब बोर्ड ने सुनवाई के लिए बुधवार को तारीख निर्धारित कर दी है, जिसके बाद दुष्कर्म के आरोपी 7 वर्षीय नाबालिग को परिवार सहित उसको घर वापस भेजने के साथ किशोर न्याय बोर्ड में बुधवार को दोबारा वापस बुलाया गया है। इस दौरान बोर्ड के सामने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। एसपी सिटी अभिषेक सिंह ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित कर दी है। बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड की ओर से जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। उधर इस मामले से अलीगढ़ में लोग हैरान हैं। आरोपी की उम्र महज 7 साल होने से भी मामला उलझा हुआ दिख रहा है।